और वो ये कहते हैं कि अभी हमको पुराना नियम पढ़ने का जरूरत नहीं है, पुराना नियम को मानने का भी जरूरत नहीं है, इट इज टोटली उसको निकाल दिया। यानी कि ऐसे भी कम्युनिटीज हैं जो सिर्फ न्यू टेस्टामेंट ही पढ़ते हैं और वो कहते हैं नया नियम ही सब कुछ है। ओके, तो ये हम लोगों के लिए लागू है क्या? अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ज्यूज की, जो पारंपरिक यहूदी लोग हैं, वो लोग आज भी पुराना नियम का 39 पुस्तक को एक्सेप्ट करते हैं। 39 पुस्तक उनका जान है। इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं 39 बुक्स इज अ ज्यूइश पार्ट ऑफ बाइबल। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये 39 पुस्तकें हैं ये बाइबल का यहूदियों का एक हिस्सा है, और 27 पुस्तकें इट इज अ जेंटाइल पार्ट ऑफ बाइबल। उसे ऐसा कहते हैं जो 27 पुस्तकें हैं वो 27 पुस्तकें नया नियम में, नया नियम की जो 27 पुस्तकें हैं वो अन्य जातियों का एक हिस्सा है। तो मतलब 39 पुस्तक किसका है? यहूदी लोग का है, एंड 27 इज जेंटाइल पार्ट ऑफ बाइबल, बाइबल का अन्य जातियों का हिस्सा है। तो उसके बारे में हमारा क्या कहना है? इज इट ट्रू? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो 39 पुस्तकें यहूदियों के लिए है और ये 27 पुस्तकें किसके लिए हैं? अन्य जातियों के लिए। वी कैन नेवर एक्सेप्ट दैट। हालेलुया। व्हाई? व्हाई? क्यों? दूसरा तिमोथी उसका 3:16 हमने लास्ट सेशन में देखा था, लेकिन उसको एक बार और पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथी 3:16। दूसरा तिमोथी 3:16 वचन क्या कहता है? और बालकपन से, सॉरी, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। फिर से वचन कह रहा है कि हर एक पवित्र शास्त्र, चाहे वो 39 हो या ये 27 हो, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया आगे है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। हालेलुया। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र बोलते समय क्या वो सिर्फ नया नियम है क्या? नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ऑल वर्ड, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। हालेलुया। वचन कहता है कि पूरा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्यों? क्यों का आंसर वहां पर 4 अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है। क्यों ये पुस्तक परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है? Yes. और क्यों हमको पूरा पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए? Yes. पहला चीज, टीचिंग के लिए। Yes. वहां पर क्या लिखा है? उपदेश, उपदेश के लिए। सेकंड इज रिब्यूकिंग, समझाने। तीसरा है करेक्टिंग, सुधारने। चौथा है ट्रेनिंग इन राइटियसनेस, धर्म की शिक्षा के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए। तो ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उसमें 39 भी है, ये 27 पुस्तकें भी है। ये सारी पुस्तकें हम सब के लिए है, जो टीचिंग के लिए है, जो रिब्यूकिंग के लिए है, जो करेक्ट करने के लिए है, और जो धार्मिकता में शिक्षा प्राप्त करने के लिए है। तो मैं ये कहूंगा हमें ये पूरा बाइबल का जरूरत है। Never we can say that कि पुराना नियम relevant नहीं है, नया नियम relevant है, ऐसा कुछ भी नहीं है। We need the full Bible. Yes, amen. Hallelujah. क्योंकि इसी पूरे बाइबल को लेकर अलग अलग काम कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, और रिव्यू कर सकते हैं, डांट सकते हैं। कई बार पुराना नियम का कुछ वचन को आप खोल के पढ़ते समय वो वचन आपको डांट रहा है। हाउ कैन यू स्किप दैट? पुराना नियम का कुछ वचन को निकाल कर देखोगे तो वो आपको ट्रेन कर रहा है। इट इज ट्रेनिंग लीडरशिप। पुराना नियम का कितना सारा भाग है जो हमको लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग देता है। तो हमें पूरा बाइबल का जरूरत है। आमीन। ये बोलते ही समय एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओल्ड टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, दिस बोथ आर डिफरेंट। पुराना नियम और पुराने नियम की पुस्तकें, ये दोनों भी अलग अलग है। बोलिए एक बार। पुराना नियम और पुराने नियम की पुस्तकें, ये दोनों अलग अलग है। ओल्ड टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स आर डिफरेंट। ये समझ में नहीं आता कुछ लोगों को, इसलिए गड़बड़ी में रहता है। 100%। So we don't need to follow Old Testament, but we can be benefited through Old Testament books. Hallelujah. हमें पुराना नियम को फॉलो नहीं करना है, लेकिन पुराने नियम की पुस्तकों से हम फायदा उठा सकते हैं। Yes, yes. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. इसलिए मेरे प्रियो,
व्यवस्था को हम पूरा हम फॉलो नहीं करना है, लेकिन व्यवस्था की पुस्तकों को बिल्कुल हटा दिया जाना वो सही नहीं है। हालेलुया। मूसा के द्वारा वो व्यवस्था आई, हमने देखा, लेकिन दुख की बात क्या थी कि कोई भी वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा है। ओल्ड टेस्टमेंट को, पुराना नियम को, जो व्यवस्था हम बोलते हैं, उसको कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। ये जिसके हाथ में दिया ना, वो भी नहीं फॉलो कर पाया। किसके हाथ में दिया था? मूसा के हाथ में। वो नहीं फॉलो कर पाया, वो उतर के आते आते ही चेंज हो गया। हालेलुया। वो पट्टियों को जब परमेश्वर के ओर से लेकर आ रहा था, वो नीचे, मतलब पहाड़ से नीचे उतरने तक भी वो क्या नहीं था, वो उसको फॉलो नहीं कर पाया। तो आगे का क्या बात किया जाए? डैनियल या किसी भी, हर भविष्यवक्ता की बात अगर मैं करूं, किसी भी भविष्यवक्ता को पूरा पूरा व्यवस्था को फॉलो करने को नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जिसने व्यवस्था को पूरा किया। उसने खुद ये चीज बोल दिया कि मैं लोप करने नहीं, मूसा नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, लेकिन मैं उससे पूरा करने आया। So that's what we can say, that यीशु मसीह ने पूरा किया। वो व्यवस्था, पुराना नियम अलग है, पुराना नियम की पुस्तकें क्या हैं, अलग है। ये फर्क समझ में आना चाहिए। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट, जंगल मोगली, ये सब, उसका अगर एक स्टोरी बुक अपने हाथ में लिया, समझो उसका दो पार्ट है, पार्ट वन है और पार्ट टू। और मैंने सीधा आपके हाथ में आके पार्ट टू दे दिया, तो मुझे ये कहना है, क्या वो पढ़ने वाला व्यक्ति मोगली के बारे में पूरा समझ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसको क्लियर बोलूं, दैट पर्सन विल बी इन कंफ्यूजन। यस, 100% कंफ्यूजन। जो व्यक्ति सिर्फ नया नियम को पकड़ कर बैठा है, पुराने नियम को छूता भी नहीं, पुराने नियम की पुस्तक को छूता भी नहीं, नहीं पसंद है प्रभु। हमको समझता ही नहीं, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है, हमको सिर्फ नया नियम पसंद है। ऐसा बोलने वाले लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। हालेलुया। पुराना नियम तो चला गया, लेकिन नया नियम में हम लोग आजाद तो हो गए, लेकिन नया नियम के अधीन है। आमीन। समझ रहे हैं आप? इसको ब्लड कवेनेंट कहते हैं, लहू का वाचा। आमीन। हालेलुया। लेकिन इतना है कि वो दंड देने वाला एक वाचा नहीं है, वो हमें प्रेम करने वाला। इसके लिए उसको ब्लड कवेनेंट, लव कवेनेंट, न्यू कवेनेंट कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? लव कवेनेंट, न्यू कवेनेंट और ब्लड कवेनेंट। लहू का वाचा, प्रेम का वाचा, और नई वाचा, और नई वाचा। इसके लिए इसको अलग अलग नाम है। तो सब लोग बोलिए एक बार मेरे साथ में, नया नियम चला गया। नया नियम चला गया, लेकिन नया नियम का पुस्तक नहीं गया है। लेकिन नया नियम का पुस्तक नहीं गया है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड जी। थैंक यू ब्रदर। मतलब हम समझ गए कि पुराना नियम भले ही लागू ना हो, लेकिन पुराने नियम की पुस्तकें आज भी लागू है। आमीन।